Hello students, welcome once again to the web classes. So we were at the accounts unit number 3 of part 2. The name of chapter is company final account. In the previous lecture we understood the format of balance sheet as well as the format of statement of profit and loss. Hopefully aapne ye dono hi format achhi tarah se learn kar liye hain. Aaj hum chalte hain iske sums ke taraf jo ki illustration number 4 se start ho rahe hain. तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं. सो इलस्ट्रेशन नंबर 4 में क्या कह रहा है. सो प्रिपेयर स्टेटमेंट इंडिकेटिंग इक्विटी एंड लायबिलिटीज ऑफ बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस. फर्स्ट ठीक है, आपको क्या बनाना है. तो लायबिलिटी पोर्शन, इक्विटी एंड लायबिलिटी पोर्शन ही बनाना है. तो आप क्या करोगे, वीडियो को पॉज करो और एक ब्लैंक फॉर्मेट रेडी करो. ब्लैंक फॉर्मेट रेडी करके सिर्फ कौन सा, इक्विटी एंड लायबिलिटी का. तो इक्विटी एंड लायबिलिटी में क्या क्या होता है. इक्विटी एंड लायबिलिटी में तीन चीज़ें होती हैं. एक बार वापस से, कौन कौन सी चीज़ें होती है. पहला होता है शेयर होल्डर्स फंड. क्या होता है, शेयर होल्डर्स फंड, जिसमें दो चीज़ें आती हैं, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस. दूसरा होता है नॉन करंट लायबिलिटीज, जिसमें तीन चीज़ें होती है, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, अदर नॉन करंट लायबिलिटीज एंड नॉन करंट प्रोविजंस. ठीक है, और लॉन्ग टर्म प्रोविजन. थर्ड इज करंट लायबिलिटी. करंट लायबिलिटी में भी क्या होता है, शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स, ट्रेड एंड पेबल्स, देन अदर करंट लायबिलिटीज एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजंस. इतनी चीज़ें होती हैं. तो एक इस तरह से ब्लैंक फॉर्मेट रेडी कर लीजिए. ब्लैंक फॉर्मेट रेडी होपफुली आपने कर लिया होगा. नहीं किया है तो वीडियो पॉज कीजिए और ब्लैंक फॉर्मेट रेडी कर लीजिए. अब वन बाय वन आपको सिर्फ रीड करना है और जो रिस्पेक्टिव प्लेस है उसको वहाँ लिखना है. जैसे ट्रेड एंड पेएबल, तो ट्रेड एंड पेएबल जो है वो ट्रेड एंड पेएबल आपने बनाया होगा 30,000, आपको ट्रेड एंड पेएबल की जगह पर लिखना है. जैसे ये रहा, ये जैसे ये ब्लैंक फॉर्मेट है, तो ब्लैंक फॉर्मेट में आप यहाँ पर 30,000 लिखना है. सिर्फ आपको लिखना है और कुछ नहीं करना है, है ना. पहले ब्लैंक फॉर्मेट और उसके बाद में डेटा फिल करना है. क्लियर. उसके बाद में है लॉन्ग टर्म प्रोविजन. तो लॉन्ग टर्म प्रोविजन 60,000 हमारे पास है. लॉन्ग टर्म प्रोविजन ये रहा, लॉन्ग टर्म प्रोविजन. देखिए लॉन्ग टर्म प्रोविजन 60,000 सिर्फ ब्लैंक फॉर्मेट में आपको डेटा फिल करना है. तो इसलिए वापस कह रहा हूँ, जिसको नहीं आता वो पहले फॉर्मेट को लर्न कीजिए. फॉर्मेट नहीं है आपके पास, वीडियो नंबर 1 एंड वीडियो नंबर 2 देखिए. ठीक है, रिजर्व्स एंड सरप्लस. तो रिजर्व्स एंड सरप्लस वी हैव 80,000 लिखना है हमें. तो ये रिजर्व्स एंड सरप्लस में हमने लिख दिया 80,000. ठीक है, इसके बाद में है अदर करंट लायबिलिटी एंड शॉर्ट टर्म बोरोविंग. सो अदर करंट लायबिलिटीज, तो अदर ये रहा करंट अदर करंट लायबिलिटीज एंड शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स. शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स ये रहा, होपफुली इट मेक्स सेंस टू यू. शेयर कैपिटल 2 लाख, शॉर्ट टर्म प्रोविजन 35,000. सो शेयर कैपिटल यू कैन सी, शेयर कैपिटल 2 लाख एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन 35,000. देन लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स 1,20,000. सो लॉन्ग टर्म बोरोविंग 1,20,000 ये रहा लॉन्ग टर्म बोरोविंग. लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स 1,20,000. इसके बाद क्या है, तो इसके बाद है लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स लिख दिया. अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी 76,000. सो अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी 76,000. लास्ट में करना क्या है आपको, बस इसका टोटल किया यहाँ लिखा, इसका टोटल किया यहाँ लिखा, और इनका टोटल करके आपको यहाँ लिखना है. ठीक है, और अल्टीमेटली इन सभी का टोटल कीजिए, ये आपका लाइबिलिटी पोर्शन पूरा. देखो इस टाइप का सम भी बोर्ड में एक बार 11 मार्क्स के लिए पूछा जा चुका है. कितने मार्क्स के लिए, 11 मार्क्स के लिए. अब बताओ इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है. ठीक है, इवन अ थर्ड स्टैंडर्ड स्टूडेंट कैन डू इट. ठीक है, अगर फॉर्मेट उसको लर्न हो तो. सो होपफुली ये समझ में आ गया है. आज के लेक्चर का हम एक और अगला सम देखें, इलस्ट्रेशन नंबर 5 क्या कह रहा है. फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेज आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ शान लिमिटेड ऑन 31/3/2017. फ्रॉम दीज बैलेंसेज प्रिपेयर स्टेटमेंट इंडिकेटिंग इक्विटी एंड लायबिलिटीज
इक्विटी एंड लाइबिलिटीज ऑफ बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल थ्री। तो इसमें भी हाफ पोर्शन ही बनाना है, क्या बनाना है तो इक्विटी एंड लाइबिलिटी का पोर्शन ही बनाना है आपको, है ना। अब सबसे पहले देखिए, तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, इक्विटी शेयर जो है वह है 260,000, तो ये चला जाएगा शेयर कैपिटल में, शेयर कैपिटल में चला जाएगा 260। थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं उसके बाद चलते हैं। 9% लोन फ्रॉम बैंक ऑफ बड़ौड़ा, अब बैंक ऑफ बड़ौड़ा से लोन लिया है, कुछ टाइम नहीं लिखा है तो लंबे टाइम के लिए लिया होगा, तो ये जाएगा लॉन्ग टर्म बोरोविंग, लॉन्ग टर्म कहाँ जाएगा बोरोविंग। प्रपोज्ड डिविडेंड, प्रपोज कर दिया तो ये होगा शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। बिल्स पेएबल जाएगा ट्रेड एंड पेएबल्स में। सरप्लस एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, तो ये रिजर्व एंड सरप्लस पर। प्रोविडेंट फंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन, बैंक ओवरड्राफ्ट शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स एंड आउटस्टैंडिंग सैलरी अदर करंट लाइबिलिटीज। क्लियर, अब चेक कीजिए मैंने जो कहा वो सारी चीज़ें उसमें है या नहीं। देखिए शेयर कैपिटल में, इक्विटी शेयर कैपिटल में 260,000 है, रिजर्व एंड सरप्लस में स्टेटमेंट फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस 50,000। देखो इस तरह फिल करो या फिर वन बाय वन, जैसे कि पहला रीड किया आपने 260, तो चेक कर लो शेयर कैपिटल में 260 है, यहाँ पर शेयर कैपिटल 260,000, यस इज दर। देन 9% लोन फ्रॉम बैंक ऑफ बड़ौड़ा 50,000, सो 50,000 तो ये लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, देखिए लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स में है। आप अगर ब्रैकेट में ये नहीं लिखते हो दैट इज ओके, ये आपके एक्सप्लेनेशन के लिए दिया हुआ है। प्रपोज डिविडेंड शॉर्ट टर्म प्रोविजन, देखिए शॉर्ट टर्म प्रोविजन ये रहा शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। प्रपोज डिविडेंड 18,000। देन बिल्स पेएबल ट्रेड एंड रिसीवेबल, तो ट्रेड एंड रिसीवेबल में देखिए ट्रेड एंड रिसीवेबल सॉरी ट्रेड एंड पेएबल, ट्रेड एंड पेएबल में बिल्स पेएबल 10,000। उसके बाद में है सरप्लस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, सरप्लस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व्स एंड सरप्लस में 50,000। देन प्रोविडेंट फंड लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, सो लॉन्ग टर्म प्रोविजन में प्रोविडेंट फंड 70,000। इसके बाद में है बैंक ओवरड्राफ्ट शॉर्ट टर्म बोरोविंग आउटस्टैंडिंग सैलरी अदर करंट लाइबिलिटी, तो देख लीजिए इतना शॉर्ट टर्म बोरोविंग एंड अदर करंट लाइबिलिटीज। क्लियर है इतना, ये क्लियर है। लास्ट में आपका टोटल का काम बाकी रहा, इनका टोटल क्या है यहाँ लिखा, इनका टोटल क्या है यहाँ लिखा, और इनका टोटल करके यहाँ लिखा। लास्ट में इन सभी का टोटल किया, दैट इज़ 5,05,000, दैट इज़ योर लाइबिलिटी पोर्शन ऑफ बैलेंस शीट। सो होपफुली दैट इज़ क्लियर टू यू। ओके, सो इफ इट इज़ क्लियर टू यू विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर विद द न्यू सम। सो आज आपका काम क्या है, आपका क्या काम यह है, वापस से कह रहा हूँ, अगर आपका फॉर्मेट लर्न नहीं है तो पहले फॉर्मेट लर्न कीजिए एंड री राइट इट टू टाइम्स। लर्न द कंटेंट ऑफ बैलेंस शीट एज वेल एज स्टेटमेंट ऑफ P&L एंड कंप्लीट द इलस्ट्रेशन फ्रॉम 1 to 5। सो थैंक यू फ्रॉम माई साइड, दैट्स ऑल फॉर टुडे।